नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनिष्क और स्वागत है आपका टीवीटी के इस एपिसोड में। आज हम बात करने वाले नेक्सॉन ईवी मैक्स के बारे में। ये कार आज के डेट में लॉन्च हुई है। अब ये कार में क्या कुछ है और इसे एक अपडेट देना क्यों ज़रूरी था, उसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला चीज़ जो इस कार को अपडेट देने की बहुत बड़ी रीज़न है, दैट्स एक तो नेक्सॉन ईवी जब से लॉन्च हुई तब से उसमें कोई एक अपडेट नहीं आया है। प्लस उसमें काफ़ी लोगों को रेंज का इशू आ रहा था, जिसे ऑब्वियसली लाइक कंपनी ने एक ऊपर ऐड कर दिया नेक्सॉन ईवी के ऊपर, नेक्सॉन ईवी मैक्स को, सो दैट जिन लोगों को रेंज का प्रॉब्लम था दे कैन अपग्रेड फॉर दैट कार। अब नेक्सॉन ईवी पहले 5 वेरिएंट्स में आती थी, दैट वाज एक्सएम, एक्सजेड प्लस, एक्सजेड प्लस डार्क एडिशन, एक्सजेड प्लस लक्स एंड एक्सजेड प्लस लक्स डार्क एडिशन। ये स्टार्ट होती थी अराउंड 14.53 लाख एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 17.14 लाख। अभी वाली जो नेक्सॉन ईवी है इसमें दो वेरियंट्स ऐड किए, ईवी मैक्स में इनफैक्ट दो वेरियंट्स ऐड किए गए हैं, नेक्सॉन ईवी मैक्स एक्सजेड प्लस और दूसरा है नेक्सॉन ईवी मैक्स एक्सजेड प्लस लक्स। अब ये जो कार है इसमें पहले वाली नेक्सॉन में आता था 30.2 किलोवाट आवर का बैटरी, मगर इसमें जिसमें काफ़ी से लोग गेस्ट भी कर रहे थे कि इसमें एक बड़ा बैटरी आएगा, दैट इज़ गोइंग टू समवॉट अराउंड 40 किलोवाट आवर, उनका गेस्ट बिल्कुल सही है क्योंकि इस कार में 40.5 किलोवाट आवर की बैटरी आती है जो पहले वाली बैटरी से 33% ज़्यादा है। और इस कार का जो आपको रेंज मिलेगा दैट इज समवॉट गोइंग टू बी अराउंड 430 किलोमीटर्स। प्लस इस कार में आपको दो चार्जर आते हैं, आई मीन एक तो ऑब्वियसली आपका एसी चार्जर जिसे आप घर ले जाके चार्ज कर पाओगे, विच इज गोइंग टू बी 7.2 किलोवाट, और जो दूसरा है दैट इज गोइंग टू बी 50 किलोवाट आवर का फास्ट चार्जर जो आपके कार को समवॉट अराउंड लाइक 56 मिनट में 0 to 100 चार्ज कर जाएगा, विच इज़ क्वाइट गुड। अब अगर बात करें इसमें और कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, इसमें आपको ESP विथ IVBAC आएगा। अब आप सोच रहे हैं ये IVBAC क्या है, ESP तो इज़ डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। IVBAC स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंट वैक्यूमलेस बूस्ट एंड एक्टिव कंट्रोल। इसके साथ आपको एक बड़ा जो अपडेट दिया गया है इसमें वो है एक वायरलेस चार्जर, उसके साथ आपको इसमें आएगा ITPMS यानी कि आपके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वहाँ पर टायर प्रेशर मॉनिटर कर सकते हो, बेसिकली TPMS है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। दूसरा चीज़ जो इसमें ऐड किया गया है दैट्स ई पार्किंग ब्रेक, जो बहुत ज़्यादा नेसेसिटी था क्योंकि काफ़ी कार जो मैनुअल ब्रेक है उसे अब अपग्रेड कर रहे हैं विद द ई पार्किंग ब्रेक, एंड लेट मी टेल यू आई स्टिल प्रेफर द मैनुअल ब्रेक। द सेकेंड थिंग जो उसके साथ आता है विच इज़ अ कॉम्प्लीमेंट जनरली ऑफ ई पार्किंग ब्रेक, दैट इज़ ऑटो होल्ड, यानी कि जब आप उसे ऐसे लिफ्ट कर दोगे इवन वेन यू लीव द ब्रेक एंड द एक्सेलरेटर, इसमें तो क्लच होता नहीं है सिंस दिस इज़ एन ईवी, आपकी कार पीछे क्रॉल नहीं करेगी फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, दैट माइट बी अराउंड 4 or 5 seconds। इसमें आपको जो वारंटी आता है दैट्स 8 ईयर्स और 160,000 किलोमीटर्स बैटरी पे। इसमें आपको हिल डिसेंट कंट्रोल आता है, विच मीन्स कि जब आप डाउनहिल जा रहे हो और अगर आपने ब्रेक के साथ एक्सीलेटर ऑब्वियसली आप प्रेस नहीं करोगे, मगर जब आप ब्रेक से भी पैर हटालोगे जनरली आपकी कार ऐसे बहुत स्पीड में नीचे जाएगी, मगर हिल डिसेंट कंट्रोल क्या करता है उस कार की स्पीड को ऐसे इलेक्ट्रॉनिकली वो ब्रेक अप्लाई करता है एंड कार का स्पीड धीरे हो जाता है ताकि बहुत झटके से नीचे ना उतरो, विच ऑल्सो लाइक आपके ब्रेक पैड्स हीट नहीं होते। अनदर थिंग इज इसमें ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स आते हैं विथ डिस्क वाइपिंग फीचर। अब आप सोच रहे हैं डिस्क वाइपिंग फीचर क्या है, दिस इज समथिंग लाइक जब आप रेन में गाड़ी चलाते हो या फिर आपने कई बार देखा होगा जब आप अपनी कार को कुछ महीनों तक छोड़ देते हो उसके डिस्क ब्रेक में हल्का हल्का जंग लग जाता है। डिस्क ब्रेक इज लाइक द डिस्क इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, जिसमें जंग लगना कोई भी बड़ी बात नहीं है, मगर जब आप थोड़े दूर से ब्रेक और एक्सेलरेटर को प्रेस करके चलाओगे वो ऑटोमेटिकली जंग गायब हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको इसकी मेहनत ना करनी पड़े इसलिए उसमें दिया जाता है डिस्क वाइपिंग फीचर। ऑल्सो ये फीचर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जब आप रेनी रोड्स पे हाई स्पीड्स पे चल रहे हो तो आपके डिस्क पे वाटर ड्रॉप्स आ जाते हैं, तो ब्रेक क्या करता है वो खुद से अपने आप को ऐसे अप्लाई करके जो वाटर आपके डिस्क में होता है उसको क्लीन कर देता है। अब अगर बात करें नेक्सॉन ईवी मैक्स के परफॉर्मेंस के बारे में, बहुत से लोग सोचते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक कार्स में टॉर्क नहीं होता है। कॉमन सेंस है यार, अगर आपके कार में टॉर्क ही नहीं होगा तो आपके कार के व्हील्स जो है वो मूव कैसे करेंगे। सो ऑब्वियसली आपको जो रोटेशन फोर्स होता है उसे हम टॉर्क कहते हैं, लेट मी नॉट गो दैट साइंटिफिक, मगर जब आप उसे रोटेट करोगे एक फोर्स जो होता है उसे ही हम टॉर्क कहते हैं। अगर वो नहीं होगा तो आपके व्हील्स रोटेट कैसे करेंगे, सिर्फ हॉर्स पावर से आपके व्हील्स रोटेट नहीं करेंगे। इस पर डेफिनेटली एक वीडियो बनाना पड़ेगा बिकॉज बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है हॉर्स पावर और टॉर्क में। सो या वी आर लेट्स नॉट डेविएट फ्रॉम अ टॉपिक। इसमें आपको 0 to 100 ये कार अचीव कर लेती है इन अबाउट 9 सेकेंड्स। अब आप सोच रहे हो कि वाओ दैट्स अ ग्रेट नंबर, बट
ये कार मैक्सिमम स्पीड जो टच करेगी दैट इज़ 140, बिकॉज दिस इज़ एन ईवी और ये एक लिमिटेड नंबर ऑफ इसका मोटर रोटेशंस कर सकता है. सो उसके चलते ये लिमिटेड है, बट नॉट बाय द नंबर्स, क्योंकि इसके जो नंबर्स कहते हैं दैट्स इट प्रोड्यूसेस 143 पीएस ऑफ पावर एंड 250 एनएम ऑफ टॉर्क, विच इज़ क्वाइट अ गुड पैकेज. अब इसमें आपको अब आप सोचोगे कि यार इतना पावर अचीव करेगा तो डेफिनेटली बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रैग करेगा, फिर बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा. जी नहीं, तो इलेक्ट्रिक कार्स में इसे अवॉइड करने के लिए कर्स का यूज़ किया जाता है. कर्स विच स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम. अब कर्स क्या करता है, इट्स अ वास्ट टॉपिक, तो लेट मी जस्ट थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूँ. कर्स क्या करता है, जब आप एक्सेलरेटर प्रेस करते हो एंड व्हेन यू लिफ्ट योर लेग फ्रॉम द एक्सेलरेटर, वो जो पावर व्हील्स में होता है उससे वापस, ताकि वो वेस्ट नहीं हो, वो पावर वापस जाता है बैटरी में एंड इट अगेन रिचार्जेस द बैटरी. कर्स थ्री लेवल्स का जनरली होता है, मगर नेक्सॉन ईवी मैक्स में फोर लेवल का है, दैट इज़ 0, 1, 2 एंड 3. जीरो लेवल पे आपको बिल्कुल भी कर्स का मतलब यू नो यू कैनॉट एक्चुअली यूज़ कर्स, बिकॉज बहुत कम बैटरी रिचार्ज होगा या फिर इट माइट नॉट गेट रिचार्ज. जो थर्ड लेवल है इसमें आपको बहुत ज़्यादा लाइक यू नो इमीडिएट आपको मतलब यू कैन फील दैट थिंग कि आपकी कार रुकने वाली है, लाइक नॉट दैट ग्रेजुअली, बट या यू कैन फील इट कि आपकी कार इमीडिएटली स्लो डाउन हो रही है. इतना स्पीड रहेगा डेफिनेटली नहीं कि आपने पैर हटाए और ये 60 से चली गई जीरो पे, डेफिनेटली नॉट लाइक दैट. इट्स समवट फार मोर लेस दैन अ ब्रेक, और जो ग्रेजुअल ऑटो स्लो डाउन होती है समवट बिटवीन दैट, क्योंकि वो पावर कार खुद के बैटरी पैक में स्टोर कर लेती है. अब आप सोचोगे कि यार अगर ये होगा तो पीछे वालों को पता कैसे चलेगा. नेक्सॉन में एक स्मार्ट फीचर है, नेक्सॉन ईवी मैक्स में, जब ये आप थर्ड पे चलाओगे, सेकंड पे चलाओगे कर्स पे, तो ताकि पीछे वालों को पता चले वो ऑटोमेटिकली आपके जो टॉप माउंटेड स्टॉप लैंप होता है वो ऑन हो जाएगा. अब इसमें आपको आता है, आपने देखा होगा नेक्सॉन एंड टाटा की कार्स में मल्टी ड्राइव मोड्स आता है एंड बैक राइट फ्रॉम टियागो टू हैरियर सफारी, मगर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और ये काफ़ी अपीलिंग लगता है, आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा. इसमें जो मल्टी ड्राइव मोड्स आता है उसमें क्राउन ज्वेल का यू नो जिसे टाटा कहती है क्राउन ज्वेल, वो चारों तरफ है, प्लस उसमें आपको सेंटर में डिस्प्ले है विच लुक्स क्वाइट लग्जूरियस. अब सिंस ईवी मैक्स है तो डेफिनेटली इसमें समथिंग हैज़ टू बी देयर, तो इसमें आपको तीन कलर ऑप्शन आएंगे, ग्रे, वाइट विच इज़ लाइक क्वाइट नॉर्मल सॉर्ट ऑफ कलर, मगर जो एक्सट्रीमली एक्सक्लूसिव कलर दैट्स इंटेंस टील कलर, जो सिर्फ नेक्सॉन ईवी मैक्स में आएगा. अब इसके साथ आपको आता है फ्रंट के दोनों सीट्स के लिए वेंटिलेटेड सीट्स, विच वॉज अ नेसेसिटी बिकॉज कॉम्पिटिशन ये चीज़ ऑफर कर रही है. अनदर थिंग विच यू गेट इज़ अ 16-inch अलॉय, विच इज़ डेफिनेटली सेम एज द नेक्सॉन ईवी एंड द रेगुलर नेक्सॉन, मगर इसका अलॉय का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है. सो या यू कैन क्लियरली सी दैट आपके सामने जो अभी पिक्चर आ रहा है. अब आप सोच रहे होंगे कि इस कार की प्राइसिंग क्या होगी. प्राइसिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर आज के डेट में ईवीज़ के लिए. सो नेक्सॉन ईवी मैक्स एग्जेड प्लस और नेक्सॉन ईवी मैक्स एग्जेड प्लस लक्स, ये दो वेरियंट्स हैं, मगर इसमें आपको और जब आप डीप जाओगे सो लाइक दोनों वेरियंट्स उसमें आपको दो और ऑप्शन आते हैं, दैट्स 3.3 किलो वॉट आर का चार्जर एंड 7.2 किलो वॉट आर का चार्जर. सो जो नेक्सॉन ईवी मैक्स एग्जेड प्लस है ये आपको 3.3 किलो वॉट आर की चार्जर के साथ, इट इज़ गोइंग टू समवॉट कॉस्ट यू अराउंड 17.74 एंड 7.2 किलो वॉट आर के चार्जर के साथ इट इज़ गोइंग टू समवॉट कॉस्ट यू अराउंड 18.24. सेम नेक्सॉन ईवी मैक्स एग्जेड प्लस लक्स, आई नो दैट्स अ क्वाइट लॉन्ग नेम, ये 3.3 वॉट के किलो वॉट आर के चार्जर के साथ इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू समवॉट अराउंड 18.74 एंड नेक्सॉन ईवी मैक्स एग्जेड प्लस लक्स इज़ गोइंग टू चार्ज यू समवॉट अराउंड लाइक उसका 7.2 किलो वॉट आर का चार्जर इज गोइंग टू चार्ज यू कॉस्ट यू समवॉट अराउंड 19.24. सो या दैट्स द प्राइसिंग. अब आप देखो इन चारों वेरियंट्स में दैट इज नेक्सॉन ईवी मैक्स एग्जेड प्लस 3.3, नेक्सॉन ईवी मैक्स एग्जेड प्लस 7.2, नेक्सॉन ईवी मैक्स एग्जेड प्लस लक्स इसमें 3.3 और नेक्सॉन ईवी मैक्स एग्जेड प्लस लक्स 7.2, इन चारों में आपको 50,000 का डिफरेंस आएगा. सो इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू वेदर यू प्रेफर दिस और दैट. हाँ, दोनों का कंपैरिजन अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा. तो यहाँ तक थी कुछ बातें नेक्सॉन ईवी मैक्स के बारे में. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. अगली वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट पहने, सुरक्षित चलें, ड्राइव सेफ, बी सेफ.